अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है फिट फाट होंगे आप सब। हम भी फिट फाट हैं। अस्सलाम वालेकुम। पूछो आप सब कैसे हैं। हम भी ठीक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को लाइक करें। शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। छः बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं। उठ के जी सबसे पहले हमने नमाज पढ़ ली है फजर की माशाल्लाह से, और अब हम जो है वो ब्रश करेंगे और फ्रेश होंगे और कपड़े चेंज करेंगे और मुश्तबा को भी ब्रश करवाएंगे, है ना भाई। चलो जल्दी से ब्रश करते हैं। उठ के सबसे पहला काम जी बेड को समेटी है। चलें जी, बेड तो सिमट गया है, हम मुश्तबा को जो है तैयार करवाते हैं। इधर देखें जरा जुबारिया क्या बना रही है। जुबी आप क्या बना रही हैं। ये तो कटलेट बनने वाले हैं। कटलेट से जी। ये जुबारिया 6 बजे माशाल्लाह उठ गए थे, नमाज वगैरह पढ़ ली, तो जुबारिया ने कहा था आज नाश्ता वाश्ता करवाऊंगी मैं आपको। देखो चाय बन रही है। वाह भाई वाह, शुक्रिया शुक्रिया पापा। जी पहले आप मिल्क शेक पियेंगे, फिर योगर्ट। ओके, आप पापा की बात मानते हैं ना। इधर पापा की तरफ देखें। ये क्या है चार क्या है ये कबाब। शामी कबाब्स कटलेट्स हैं और ये सैंडविच तैयार होने हैं जी। चले जी कपड़े दोबारे कपड़े बनाती है और मैं सैंडविच तैयार करता हूँ। हमारी तो खाती है सिंपल सैंडविच जिसके उसमें सिर्फ डलेगा सिर्फ बटर। बटर के बाद हम इसको उठाएंगे और इसको रखेंगे यहाँ पे। और सुबारिया का हो गया सैंडविच तैयार। रही जी एलुमिनियम फोलिए, यहाँ पे बहुत काम आती है एलुमिनियम फोलिए पैकिंग करने में। इसको यहाँ रखें और इसका सैंडविच बंद करें। ये जी पहली लेयर लगी है बाबा गनूज की। बाबा गनूज असल में जो है ना वो बैंगन का जो है ना ये भरता है या मिक्सर है जो भी है, और ये बटर डाल दिया फिर पर जो है ना वो आ जाएगा, पैटी आएगी और फिर चीज़ है जी। मुश्तबा का फ्रूस्ट। मुश्तबा आपको अच्छा लगा फ्रूस्ट? Yeah. क्या क्या बताओ उसमें। इसमें क्या क्या बताओ, इसमें क्या क्या फ्रूस्ट में क्या क्या। ब्रॉड केजे एप्पल एंड ग्रेप्स। सुबह सुबह ये मसाज लिए जा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हैं मसाज लिए जा रहे हैं और हमने लगा लिया अभी सैंडविच और चाय। टाइम हो रहा है 7:30 और मुश्तबा को हमने छोड़ना है 8 बजे तक, तो जल्दी से जो है वो नाश्ता करते हैं चलते हैं। भाई मज़े का बनाया है जुबारी ने कट्टा, मज़े का लग रहा सैंडविच। जुबारिया का ना स्मार्ट रहने का राज ये है, इतना सा सैंडविच था वो भी इसने आधा खाया, ये है इसलिए स्मार्ट रहती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हो चुका है, अब जल्दी से जो है वो तैयारी पकड़े और चले जॉब पे। तो जनाब हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं अब ऑफिस के लिए। 8:08 हो गए ऑलरेडी, हम लोग थोड़ा सा लेट है लेकिन लेट वेट कोई नहीं, हमारी टेंशन नहीं है। जुबारी को टेंशन होती है। जुबारिया दिखा दो ना, हाँ इसको बड़ी टेंशन होती है। मुश्तबा ने लॉक खोल दिया। जुबारे को बहुत टेंशन होती है लेट होने की, क्योंकि मैं तो आवर्स अपने जो है ना वो होम ऑफिस है मेरा, तो मैं आवर्स अपने जो है ना वो कंप्लीट कर लेता हूँ या मैं बराबर कर लेता हूँ, लेकिन ज़रा अभी तक इसको होम ऑफिस नहीं मिला। मिल जाएगा तो चलें, फिर चलते हैं ऑफिस। मुश्तबा जा रहा है कीटा, बाय बाय। गाड़ी कर दी है जी हमने पार्क और अब हम जा रहे हैं अपने अपने काम पे, और फिर मिलते हैं हम आपसे काम के बाद। स्टे ट्यून। हम हैं जी अब अपनी कैंटीन के अंदर और आज का खाना है, क्या खाने का नाम है दोबारिया, खाने का नाम तो मुझे भी नहीं पता, बामी गोरेंग। और चले शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब जा रहा हूँ मैं मुश्तबा को लेने के लिए। ऑफिस जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं भी हुआ। इस ऑफिस में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है क्योंकि होम ऑफिस भी है, तो हम सुबह जैसे 8 बजे आए थे तो अभी 8 घंटे मेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन चूँकि मैंने मुश्तबा को भी उठाना है तो अभी मुश्तबा को पिक करूँगा और फिर मैं घर जा के बाकी के आवर्स जो है ना ऑफिस के वो कम्प्लीट कर लूँगा। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है ना काफ़ी ईजी हो जाता है और बहुत जो है ना वो अच्छा हमारा टाइम मैनेज हो जाता है। तो चलते हैं और फिर मुश्तबा को लेते हैं। मुश्तबा को हमने ले लिया है। मुश्तबा आपका कैसा दिन गुजरा कीटा में, मज़ा आया? चलें घर चलें, सबको हेलो कर दो। हेलो। तो जनाब हम घर आ चुके हैं
और सीन कुछ ऐसा है कि नीचे जो है ना वो हमारे जर्मन एक नेबर है हमारी, मुश्तबा उसके साथ जो है ना बहुत खुशी खुशी जो है उसके साथ वो खेलता है। तो वो नीचे जो है ना आज उसके पास टाइम था, तो कहती है मेरे पास एक दो घंटा है। तो मुश्तबा डायरेक्ट उसके पास जो है ना कीटा से आते ही डायरेक्ट उसके पास चला गया, मैं उसको छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलो मैं इतने में जो है ना अपना होम ऑफिस का काम निपटा लूँगा, इधर वो नीचे खेल ले, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेता हूँ, वो खेल ले, मैं अपना ऑफिस का काम आवर्स पूरे करता हूँ और उसके बाद फिर उसको लेके आते हैं। फिर जो है ना वो आज शाम में जो है ना इसके कीटा में हमने जाना है, हमारी पेरेंट्स की जो है ना मीटिंग है, तो कोई एक ही बंदा जा सकता है। तो मैं सोचता था जुबारिया को छोड़ के आ जाऊँगा, तो जुबारिया अटेंड कर ले कि मैं मुश्तबा घर पर रहेंगे। तो काम निपटाते हैं, आवर्स पूरे करते हैं और फिर उसके बाद जो है नमाज़ें पढ़नी, नमाज़ भी पढ़ता हूँ, पहले तो मैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक किचन का काम है वो भी निपटाते हैं। आज तो नमाज़ पढ़ ली है, अब जो है ना जुबारी ने किचन का काम बोला था मैं जल्दी से वो भी करूँ। किचन जुबारी ने बोला था कि बैंगन का जो है, बैंगन का जो है उसने भरता बनाना है, तो उसके लिए मैं जो है ना ऑलिव ऑयल लगा के बैंगन को बेकिंग ओवन के अंदर 250 डिग्री पर रख के आधे घंटे के लिए बेक कर दूं और उसके बाद वो आएगी और बैंगन का भुर्ता बनाएगी। बैंगन ये रहा जी ऑलिव ऑयल, इसको ज़रा दूसरी तरफ, इसको ज़रा दूसरी तरफ भी पलट दें और इस तरफ से भी ऑलिव ऑयल लगा दें। अब हम इसको रख देते हैं हाफ आवर के लिए, वैसे 35 कर दिया। 5 मिनट जो है वो प्री हीट के हैं और 30 मिनट जो है वो बेकिंग के हैं। हमने ये काम भी कर दिया, अब चलते हैं अपना ऑफिस का काम निपटाते हैं। बैंगन जो है वो बेक हो चुका है और अपडेट ये है कि जुबारिया क्योंकि लेट होगी, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग जुबारिया अटेंड करेगी, तो बैंगन का भुर्ता मैं ही बनाऊंगा। चलें जी ऑफिस का काम तो निपटा दिया है, अब जो है ना वो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन जनाब मैंने कंप्लीट कर ली है, टमाटर काट लिए हैं और लहसुन हो गया है, प्याज हो गया है, अब इस बैंगन का बनाते हैं भरता, इसको मैश करेंगे और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी पैन गरम हो गया है, इसमें हम डालते हैं ऑलिव ऑयल। ठीक है जी ऑलिव ऑयल का हमने वो कर दिया है और इसके अंदर डालते हैं फिर लहसुन और प्याज, फिर भूनते हैं और शुरू करते हैं। मसाले मैंने निकाल दिए हैं, ये दो चीज़ें रह गई थी भाई, मिर्चें और धनिया, लहसुन एंड मिर्चें भून लें, फिर प्याज डालेंगे। अब मैंने प्याज ऐड कर दिए भाई, अब प्याज के साथ भुने थोड़ा सा। ये जी थोड़ी देर के लिए प्याज बना लिया, इसको बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करने देनी। अब हम डालते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाह टमाटर ऐड हो, अब इसको भुनेंगे साथ में थोड़ी देर। अब जी इसमें ऐड करेंगे जो हमने भरता बनाया था वो, और उसके बाद डालेंगे सारे के सारे मसाले। मसाले सारे ऐड हो गए जी, अब इसको भरते के साथ हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको फिर भुनेंगे 5 मिनट तक। पहली बार भाई बैंगन का भरता बनाया, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, देखते हैं कैसा निकलता है। अभी दोबारिया खा के बताएगी। बैंगन का भुर्ता हमने कर लिया है तैयार, अब बस किचन समेटता हूँ और मुश्तबा के बारे में पूछता हूँ, अगर मुश्तबा इसके पास रुक सकता है नेबर के पास हमारी, तो फिर मैं भी जो है वो जुबारी के पास चले जाता हूँ और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है ना वो अटेंड कर लेता हूँ। बस मैं भी इसको ढकता हूँ, किचन समेटता हूँ और फिर जुबारी से जो है ना अपडेट लेता हूँ। चलें जी ये वाला काम भी कर दिया, बर्तन वर्तन समेट दिए, धो दिए और किचन समेट दिया, क्योंकि अगर मैं किचन नहीं समेटा होता ना तो जुबारिया को लगता है बहुत बुरा, और वैसे भी है किचन समेटा होना चाहिए, मुझे भी कितना ख़ास अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी। तो अभी मेरी जुबारी से बात हुई, अभी मैं समेटा तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, फिर आप जो है अपडेट कर। जुबारिया से मेरी बात हो गई है, मीटिंग जो है वो अटेंड कर रही है, मुश्तबा अभी तक नीचे है, मैंने पढ़नी असर की नमाज और अपना मैंने खाना भी गर्म कर लिया बिरयानी, और अभी थोड़ी देर में जो है ना 1 घंटे में जो है ना वो एप्पल का इवेंट भी होने वाला है, तो नया आईफोन ज़रा देखेंगे, उस इवेंट को ज्वाइन करते हुए देखते ज़रा नया आईफोन में क्या क्या फीचर्स हैं, ख़रीदने का काबिल है अभी या नहीं, क्योंकि 13 प्रो से मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो लेट्स सी नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर इवेंट अटेंड करते हैं। एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने खाना बनाते हुए जो है दरवाज़ा खुला छोड़ दिया किचन का, और बाहर तक जो है ना वो खुशबू चलेगी खाने की और जुबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं लिविंग एरिया में,
तो अभी जो है ना अगरबत्ती जलाते हैं ताकि घर ज़रा खुशबू जो है ना वो आ जाए और जो है ना खाने की जो महक है वो ख़त्म हो जाए। इसमें जो है ना ये देखें प्यारा सा टर्टल है छोटा सा, इसमें ये लगाते हैं हम अगरबत्ती और इसको जलाते हैं। चलो भाई मुस्तफ़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। बाकी मुस्तफ़ा की उदासी चेक कर रहा है, अंदर ही नहीं आना चाह रहा मुस्तफ़ा, कह रहा है मुझे वापस वाल्टोट के साथ जाना है। आपने नहीं आना अंदर, ये देखो ज़रा इसकी दिल लगी चेक करो। पापा के पास भी नहीं आना, सबको हेलो कर दो, सब बुला रहे हैं आपको, हेलो कर दो। मुस्तफ़ा जो है ना बेचारा परेशान परेशान आया, मैंने इसको नहलाया है क्योंकि ये कीटा से आता है, तो दोबारा भी यही कहती है कि इसको नहला देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि और वैसे भी मिट्टी उट्टी लगी हुई थी खेल कूद के आया है और बीमारियां फैलती हैं अगर बच्चे को नहीं नहलाया धुलाया, तो मैंने कपड़े वपड़े बदलवा दिए हैं, नींद में ठीक ठाक है, इसको सुनाऊंगा मैं। खाना वहीं रखा रह गया है और खाना जो है वहीं रखा रह गया मेरा, मैं सोच रहा हूँ कि बस इसको जल्दी से सुला दूँ क्योंकि ऑलरेडी 7 बजने वाले हैं और मुश्तबा का सोने का टाइम है 7 बजे का, तो मैं इसको सुलाता हूँ और फिर देखते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ जी। तो मुश्तबा को भाई सुला दिया है, खाना मेरा अभी तक यहीं रखा हुआ है, नमाज़ मेरी रह गई है, मैं नमाज़ पढ़ूँ खाना खाऊं और फिर उसके बाद इवेंट अटेंड करते हैं एप्पल का। मुश्तबा असल में ना पहले कीटा में सो जाया करता था, अब इस कीटा में जो है ना वो सोता नहीं है और आज भी वो नहीं सोया, इस वजह से जो है ना बेचारा घर आता है थक के चूर हुआ होता है और चिड़चिड़ा हुआ होता है। अब वो आया भी है 4 बजे, 4 बजे आते ही जो है ना वो नीचे चला गया खेलने के लिए, तो अभी जो है ना बिल्कुल बेचारा थका हुआ था, बस 15 मिनट लगे मैंने उसको सुला दिया। अब मैं सुकून से बैठ के जो है ना 15 मिनट में एप्पल का इवेंट शुरू हो रहा है, मैं खाना खाऊंगा अपना, ये रहा मेरा खाना और बस अभी एप्पल का इवेंट शुरू होता है, खाना खाते हैं और इवेंट को अटेंड करते हैं। और जनाब एप्पल का इवेंट हो चुका है शुरू, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेगम घर आई हो लाल जी, मेरी बेगम घर आई हो लाल जी। आप फिर बोल रही कि ब्लॉग में कैसी हैं आप? ठीक है? नहीं आ रही हैं, मुझे खाना खिला, भूख तो लगेगी, आप इतनी लेट आई हैं, मैंने बैंगन बैंगन का भरता बना के रखा हुआ है, आपका बच्चा देखो नहाया दहलाया धुलाया कपड़े बदलवाए और उसको सुलाया और उसके बाद मैंने बैंगन का भरता भी बनाया आपका आपका, और अब आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे? नहीं अब आपने हाथों से नहीं खिलाएंगे, और अभी आप जो है ना ब्रेड रखी हुई है तो ब्रेड के साथ खा रहे हैं और चाय बना के पिलाएं अच्छी सी। कैसी रही? अच्छा पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसे रही? पेरेंट्स मीटिंग कैसे? हाँ हाँ, तो वो पेरेंट्स की जो मीटिंग थी क्या वही सब चीज़ें थी, तो सब क्लियर कर लिया? कोई सवाल वाल करना था आपने कर लिया? अच्छा बाकी है कि आईफोन का इवेंट मैंने देख लिया, आईफोन 16 प्रो जो है ना असल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिग चेंज तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर वो AI ऐड कर दिया और 4K 120 फ्रेम पर सेकंड, मतलब शेप बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर अपडेट आ गया ना AI का मेरे मोबाइल में भी तो मैं चेंज नहीं करूँगा, और अगर AI का अपडेट नहीं आया पुराने मोबाइलों में तो फिर मैं जो है ना आईफोन 16 प्रो लूँगा, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आईफोन 16 प्रो लेने के लिए, मेरा काम इससे भी बेहतरीन चल रहा है, बड़ा फटाफट चल रहा है। तो बेगम साहब घर पे आ गई हैं, तो बस अब इनको मैं चाय बना के दूंगा, खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा, नमाज पढ़नी है फिर हमने, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे शिलाफन। तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।